क्वेश्चन नंबर 626। एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए नंदिनी सत्यपथी, ऑप्शन बी मायावती, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। इसका आंसर है ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 627। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? ऑप्शन ए के कामराज, ऑप्शन बी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। इसका आंसर है ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 628। ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान के कौन से शहर में मार डाला गया था? ऑप्शन ए क्वेटा, ऑप्शन बी बिलाल, ऑप्शन सी डेरा इस्माइल खान, ऑप्शन डी मुल्तान। इसका आंसर है ऑप्शन बी बिलाल। क्वेश्चन नंबर 629। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है? ऑप्शन ए PMSBY, ऑप्शन बी PMJDY, ऑप्शन सी PMFBY, ऑप्शन डी PMJJBY। इसका आंसर है ऑप्शन सी PMFBY। क्वेश्चन नंबर 630। IMO का विस्तारित रूप क्या है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन, ऑप्शन बी भारतीय मौसम विज्ञान संगठन, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ऑप्शन डी भारतीय मौद्रिक संगठन। इसका आंसर है ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। क्वेश्चन नंबर 631। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले। इसका आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 632। महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी दादा भाई नवरोजी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। इसका आंसर है ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 633। भारतीय रिजर्व बैंक RBI किसका नियामक प्राधिकरण है? ऑप्शन ए बैंकों, ऑप्शन बी बैंक एवं म्यूचुअल फंड, ऑप्शन सी बैंक म्यूचुअल फंड एवं शेयर बाजार, ऑप्शन डी बैंक म्यूचुअल फंड शेयर बाजार एवं रेटिंग एजेंसी। इसका आंसर है ऑप्शन ए बैंको। क्वेश्चन नंबर 634। भारत में वर्ष 2015 का राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे कब मनाया गया था? ऑप्शन ए 31 अगस्त, ऑप्शन बी 30 सितंबर,
ऑप्शन सी 21 अक्टूबर, ऑप्शन डी 30 नवंबर। इसका आंसर है ऑप्शन सी 21 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 635। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP केंद्रित है। ऑप्शन ए वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान पर, ऑप्शन बी विकासशील देशों पर, ऑप्शन सी अल्प विकसित देशों पर, ऑप्शन डी विकसित देशों पर। इसका आंसर है ऑप्शन ए वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान पर। क्वेश्चन नंबर 636। भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 637। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी भगत सिंह। इसका आंसर है ऑप्शन डी भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 638। बिपिन चंद्र पाल सहित तीन लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, उनमें से अन्य दो कौन थे? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय और भगत सिंह, ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल और भीकाजी। इसका आंसर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 639। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी संसद। इसका आंसर है ऑप्शन डी संसद। नंबर 640। आप प्रवासी भारतीय दिवस से क्या समझते हैं? यह कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 15 जनवरी 2013 का दिन NRI खिलाड़ियों के उपलक्ष्य में स्मरण किया जाता है। ऑप्शन बी 17 जुलाई 2014 का दिन जब भारतीय मरीन इंजीनियर को सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन सी 9 जनवरी 2003 का दिन महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 2015 को मुंबई वापस आने के उपलक्ष्य में स्मरण किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 641। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए जून 2015, ऑप्शन बी जुलाई 2014, ऑप्शन सी जुलाई 2015, ऑप्शन डी जून 2014। इसका आंसर है ऑप्शन बी जुलाई 2014। क्वेश्चन नंबर 642। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? ऑप्शन ए शासन राजा या रानी होती है, ऑप्शन बी शासन राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, ऑप्शन सी राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, ऑप्शन डी वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ। इसका आंसर है ऑप्शन सी राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 643, महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1941, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1946। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1942। क्वेश्चन नंबर 644, शिमला समझौता 1972 पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए भारत एवं पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों द्वारा, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो द्वारा, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी एवं बेनजीर भुट्टो द्वारा, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी एवं परवेज मुशर्रफ द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो द्वारा। क्वेश्चन नंबर 645, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन ए V.R. अंबेडकर, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 646, UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वाशिंगटन, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी वियना। इसका आंसर है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 647, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 दिसंबर, ऑप्शन बी 25 दिसंबर, ऑप्शन सी 26 दिसंबर, ऑप्शन डी 31 दिसंबर। इसका आंसर है ऑप्शन बी 25 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 648, निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी नरसिम्हा राव। इसका आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 649, जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी खाली स्थान में है? ऑप्शन ए जम्मू, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी गुलमर्ग, ऑप्शन डी अनंतनाग। इसका आंसर है ऑप्शन बी श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 650, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी भारत की जनता द्वारा, ऑप्शन डी विधान परिषद के सदस्यों द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन ए राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा।